बाय थ्री, ठीक है। यस सर। अगर मैंने दे दिया 11C8 डिवाइडेड बाय 11C9, तो क्या ये अप्रोच के हिसाब से आंसर सही है क्या? इन दोनों का डिफरेंस 11-9 डिवाइडेड बाय 8, क्या ये सही है गलत है? रॉन्ग। हाँ बिल्कुल गलत है। मतलब गलत कैसे है? तुम्हें ऐसे ही दिख जाना चाहिए, मैंने तो सर ऊपर का रेसिप्रोकली पूछा है सर आपने, दिख रहा है सबको? यस सर। मतलब इसका आंसर तो 3 होना चाहिए, करेक्ट और नॉट? नो। यस सर। हाँ 3 होना चाहिए ना, इसका रेसिप्रोकल पूछा है गधे। यस सर। हाँ तो ऑब्वियसली ये गलत है। क्यों क्यों गलत है? मैंने पैटर्न में कुछ लिखा है, बताओ क्यों गलत है? न्यूमरेटर में आना चाहिए हाई नंबर। सब इंडेक्स, सब इंडेक्स जितना है वो कहाँ पे आना चाहिए? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में। यहाँ पे देखो 8 और 9 में सब इंडेक्स 9 का बड़ा है, बट वो तो डिनोमिनेटर में ना। यस सर। यस, तो ऐसे टर्म को या तो फ्लिपिंग लगा देना, फ्लिपिंग लगा के हो जाएगा, एग्री करो? यस सर। अब सही है, 11-2 डिवाइडेड बाय 3, 9/3, देखो 3 आ गया। या फिर फ्लिपिंग नहीं लगानी है तो रेसिप्रोकल भी ले सकता हूँ ना बच्चों? यस सर। कम ऑन, अब हो गया बस, ये रहा डिनोमिनेटर 11-8 डिवाइडेड बाय 9, 9 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। तो ऐसे दोनों तरीके से कर सकते हो। गॉट इट एवरीवन? यस सर। चलो कॉपी कर लो एग्जांपल्स। यस, किसी को डाउट यहां तक? नो। 10 seconds और फिर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जल्दी से आगे बढ़ो। इन बच्चों का हो गया, एक बार सारी प्रॉपर्टी रिवाइज कर लो क्विकली, 30 seconds देन ओनली मैं क्वेश्चन दूंगा, तो 30 seconds में सारी प्रॉपर्टी रिवाइज कर लो। ओके आई गेस रिवाइज कर लिया होगा अब तक। चलो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी पीजी, जस्ट प्रॉपर्टी याद कराने के लिए।
करो 500 जल्दी से। ओके शान कंटिन्यू, ये सब तो एग्जांपल्स, इनके आंसर लिख के कुछ ऐसा नहीं, अभी तो पूरा फिनिश कर दे। Last 10 seconds for all of them. चल हो गया, बहुत टाइम, सबका आंसर लिख रहा हूँ, फिर एक साथ कोई डाउट होता बता देना। पहले मैं ऑब्वियसली क्या फ्लिपिंग लगा देता हूँ मैं, तो चलो 11C7 अपॉन 11C6, सो आंसर इज 11 - 6 5 अपॉन 7। ओके दूसरा तो डायरेक्ट है, n - r + 1 अपॉन r। तीसरा भी डायरेक्ट है, ऊपर बड़ा है, डिनोमिनेटर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय दिस। यहाँ पे या तो फ्लिपिंग विपिंग से कोई काम नहीं चलेगा क्योंकि n पता नहीं है हमें, तो रेसिप्रोकल लेना ही बेटर। n सी दिस, सो 1 अपॉन, अब ये डिफरेंस हो गया n - 4, और 5 नीचे आएगा तो 5 ऊपर चला गया, तो ये आंसर इसका 5 अपॉन n - 4। इसमें पास्कल्स लॉ बार बार लगाना है, इसका आंसर 12C5 जो इसके साथ कंबाइन करके बना देगा 13C6 जो इसके साथ कंबाइन करके फाइनल आंसर 14C7। किसी पार्ट में डाउट बच्चों? सारे सही थे? हाँ सर। यस सर। सर मैंने डी वाला फ्लिपिंग से क्या चलेगा ना? नहीं चलेगा। तेरे को क्या पता यार वो कंजुगेटिव उस तरीके से है या नहीं है, मतलब फ्लिपिंग के बाद एन क्या है? अच्छा ओके। एन के बाद क्या हर चीज कंजुगेटिव ही होगी क्या उसकी? 11C4 अपॉन 12C5 देख, तो ये 12C8 हो गया और ये 12C6 हो गया, देख प्रॉपर्टी तो नहीं लगेगी। हाँ सर ओके सर। दिख रहा है? हाँ सर। तो हर में फ्लिपिंग मत लगा देना। आगे बढ़ रहे हैं अब, सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट। क्या दिया था लास्ट बैच में, मैं वही देख रहा हूँ क्वेश्चन मैंने बना दिया था, कुछ भी क्या बनाया था, 30C8 + 37 - r, 30C8 + summation r = 1 to 7, 37 - r C7 करो।
अच्छा क्या समेशन से डरते हैं क्या हम? डू वी फियर समेशन? यस समेशन को क्या करना चाहिए जल्दी बोलो? एक्सपांड। तो शुरुआत के दो टर्म्स लिखो, लास्ट के दो टर्म्स लिखो, कंफर्टेबल हो जाओगे। बिल्कुल सही है अमन, शुरुआत के दो टर्म्स लिखो, लास्ट के दो टर्म्स लिखो। सही हम करेक्ट, गौतम मिस्टेक, सर्वेश करेक्ट, प्रशांत करेक्ट। गुड, प्रशांत का सबसे पहले आया था। थर्टी सेकेंड्स और है आपके पास। आर को वन रखा 36C7, आर को टू रखा 35C7, बस काफी है। लास्ट के दो लगते हैं, सेकेंड लास्ट के लिए आर को सिक्स रखूंगा 31C7, लास्ट के लिए आर को सेवन रखूंगा 30C7। अब चमक जाना चाहिए तुम्हें, जल्दी से आंसर। ईशान जैन ने मिस्टेक कर दी है, गौतम का करेक्ट हो गया है, महिमा का करेक्ट हो गया है। आदित्य करेक्ट, ईशान जैन करेक्ट, ईशान गुजरान करेक्ट, हर्ष पवार करेक्ट। चलो सबने कर लिया, गुड। ओके, बार बार पास्कल्स लॉ लगाना, ये तो चमक गया, बट बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ये भी समझा? नहीं समझा? Yes. यूं नहीं कि हर बार लिखोगे ऐसे 6-7 स्टेप भर दोगे फालतू का, नहीं, पैटर्न देखो। यस, इसमें और इसमें पास्कल्स लॉ लगेगा तो पैटर्न बनेगा 31C8। इसके बाद पैटर्न के लिए एक बार और कर लो तो मैं श्योरिटी आ जाएगी। देखो 32C8, क्या सबने सुपर इंडेक्स और सब इंडेक्स में कुछ देखा अभी तक पैटर्न? यस सर। क्या देखा कि सब इंडेक्स हमेशा 8 रहता है, करेक्ट और नॉट? यस सर। और सुपर इंडेक्स के बारे में ये देखा कि जिससे लास्ट कंबाइन होता है उसका प्लस 1 आता है, कम ऑन? यस सर। तो बताओ यही पैटर्न यहां तक चलता रहेगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 37C8। सबको क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये पैटर्न आप दिमाग में चलाना है, लिखने की जरूरत नहीं बार बार, नहीं तो वो टाइम वेस्ट है। तो कंप्लीट दिस बी पार्ट। (35C8 + summation r = 127) 42 - rc7 + summation 1 - 5 = 47 - rc40 - r। करो समेशन से डरना नहीं है। और दूसरे वाले समेशन में क्या करना है, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, व्हाट शुड वी डू इसके बारे में? सबसे पहले क्या लगा देना, फ्लिपिंग लगा देना, समझ गए? उसको फ्लिपिंग लगा के कंफर्टेबल कर दो।
इसको तो एक्सपांड कर दिया, 41C7 एंड लास्ट के दो टर्म लिख रहा हूँ, R को 6 रखा तो 36C7, 35C7, तो ये तो आपको हैंडल करना आता है। और जो ये बेचारा है इसमें फ्लिपिंग लगा दो ताकि तुम्हें कंफर्टेबल लगे, ये नीचे ऐसे अच्छा नहीं होता कभी भी। 47 फ्लिपिंग लगा दिया तो दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा 7, अब इसको एक्सपांड करने में भी कंफर्टेबल रहोगे। गेट मी द फाइनल आंसर। महिमा करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, कृष्णा मिस्टेक, ईशान जैन करेक्ट, अमन मिस्टेक, शास करेक्ट, प्रियम करेक्ट, गौतम करेक्ट, ईशान जैन करेक्ट, कौन अदर्स, अमन मिस्टेक, लास्ट 10 सेकेंड। चलो कर रहे हैं डिस्कस। देखो इधर 35C8 किसके साथ कंबाइन करेगा, 35C7 के साथ क्या बनाएगा, 36C8। फिर ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो पैटर्न दिख गया तुम्हें कि लास्ट इसके साथ जो भी कंबाइन करेगा वो 42C8 बनाएगा। आर यू ओके? यस सर। प्लस इसका एक्सपांशन कर देते हैं भाई, आर को 1 रखा तो 46C7 और आर को 4 रखा तो 43C7, आर को 5 रखा तो 42C7। तो हाँ यहाँ पे भी सेम टाइप का पैटर्न है, ये और ये कंबाइन करेंगे, सबसे पहले बना देंगे 43C8, फिर ये और ये कंबाइन करेंगे, तो उसी पैटर्न के हिसाब से लास्ट में ये कॉम्बिनेशन होगा और आंसर बना देगा 47C8। सबको क्लियर? यस सर। हाँ सर। 10 सेकेंड्स में कुछ कॉपी करना है तो कर लो फटाफट। हाँ गलती से बोलते होगा अमन। आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। Next, for s equals to 1 into NC1 divided by NC0, 2 into NC2 divided by NC1, सब बच्चे चिल्ला के बोलेंगे कि अगर मैं s को सिंप्लीफाई करने के लिए बोलूं तो डायरेक्टली करना चाहिए या कुछ और पहले लिखना चाहिए फिर करना चाहिए? Anybody? क्या करना चाहिए? General. याद आया SNS में क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते ना? यस। तो यहाँ पे भी वही करोगे, सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखो फिर बहुत इजीली सिंपलीफाई होगा। कम ऑन कंप्लीट द क्वेश्चन एंड स्टार्ट डूइंग दैट। हेंस सिंपलीफाइज
चल इनफ टाइम, गुड अमन, गुड संयम, ईशान गुजरन नौ, ईशान जैन करेक्ट। ओके जनरल टर्म मेरे बालकों सबने सही लिखा। हाँ क्या लिखा बताओ, समेशन ऑफ बोलो R into NCR by NCR minus। सबको दिख रहा है टू के लिए, तो R into NCR upon NCR minus one, और R की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? One से N तक। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। नो। ओके अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए, क्या सबकी आंखें चमक उठी या नहीं उठी? कौन सी प्रॉपर्टी? रेशियो वाली। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय सब इंडेक्स ऑफ द न्यूमरेटर, आर से आर कट गया। ओके यस सर। तो एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन माइनस आर प्लस वन आ गया। अब उसके बाद इसको सिंपलीफाई करने के लिए बहुत बच्चे लॉन्ग मेथड से करते हैं। लॉन्ग मेथड क्या है, सबका समेशन अलग अलग कर देते हैं और फिर लंबा जाता है, आंसर तो आएगा ऑब्वियसली बट लंबा जाएगा। इसका आंसर के लिए एन बाहर निकाल देंगे, कमान एग्री करो। यस सर। समेशन आर का आंसर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, समेशन वन का आंसर एन, फिर समेशन वन इज ऑल्सो एन, तो ये एन स्क्वायर हो गया। अब इसका एलसीएम लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, नहीं आ रही, लंबा जा रहा है नहीं जा रहा है? मतलब ये सब नालायक पंथी करने की, आंसर तो आ जाएगा बट लंबा जा रहा है। एग्रीड? यस सर। तो शॉर्टर मेथड क्या है, हमेशा याद रखना कभी भी, अब ये पूरा एसएनएस है ये तो पता ही है ना तुम्हें? यस सर। तो शॉर्टर मेथड के लिए कभी भी ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं तो कॉन्स्टेंट को साथ में रखा करो, अलग अलग मत किया करो। क्या मतलब है, मैं क्या करना चाहता हूँ बताओ, क्या लिखूंगा? समेशन ऑफ एनीबॉडी, कॉन्स्टेंट कौन कौन है? एन प्लस वन कॉन्स्टेंट है और आर वेरिएबल है। आर विथ मी? यस सर। जाएगा देख लेना खुद ही, एन प्लस वन पूरा कॉन्स्टेंट है, बार आ गया समेशन वन माइनस इसका आंसर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, समेशन वन का आंसर एन, एन इंटू एन प्लस वन माइनस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, इट इज लाइक एक्स माइनस एक्स बाई टू। क्या आंसर हो गया? ध्यान रखा करो कॉन्स्टेंट को साथ में रखा करो, अदरवाइज कैलकुलेशन लंबी जाएगी, फिर बोलोगे एग्जाम में टाइम कम मिलता है। कॉपी करो। कंप्लीट हो गया सबका कॉपी? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपांशन of 1 plus a raised to power n are in the ratio of 1 is to 7 is to 42. Then find the value of n. Question ko padho, samjho, mali solve mat karo, saath mein discuss karenge, koshish karo समझने की किसको बोल रहा है, बस उतना बोल रहा हूं, सोचो।
ओके स्टॉप राइटिंग नाउ एंड ट्रैक विथ मी. देखो इधर एन निकालना है, ठीक है. बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बात कर रहा है तो ए का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा, एग्री करो? यस सर. बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मतलब सिर्फ एनसीआर इन्वॉल्व होंगे, करेक्ट और नॉट? यस सर. अब वो बोल रहा है बाइनोमियल कोफिशिएंट किसके, तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स के. तो क्या तीन कंसेक्यूटिव क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या एनी कंसेक्यूटिव या कोई फिक्स है, हमें नहीं पता, बट हमें आर आर प्लस वन ऐसे लेने पड़ेंगे. व्हाट डू यू थिंक, क्या करना पड़ेगा? आर आर प्लस वन. हाँ, उसने कभी नहीं बोला कि पहले तीन कंसेक्यूटिव. ये भी गलत है कि कोई भी तीन नहीं ले सकते, हमें फिक्स लेना पड़ेगा, बट उसमें आर क्या है वो निकालेंगे. Got it, everyone? Yes, sir. So let's say those three consecutive terms be tr plus 1, tr plus 2, tr plus 3. कौन बताएगा रीजन मैंने tr tr plus 1 क्यों नहीं लिया? ये क्यों नहीं लिया? कौन बताएगा? टर्म r plus 1 होता है. जीरो पुट करेंगे. ये बताओ फिफ्थ टर्म के लिए r कितना होता है? Four. तो rth टर्म अगर लेता हो तो उसके लिए r एक्चुअली r माइनस वन होता ना. r माइनस मतलब कैलकुलेशन थोड़ी पथेटिक आती है, इसलिए ये लिया है. समझ में आया ना? यस सर. तो बुलंद आवाज में बोलो अगर समझ में आ गया तो, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा r प्लस वन टर्म का? ncr. अच्छा बताओ फिफ्थ टर्म का क्या होता है? r 4 होता है तो nc 4 होता है ना? हां सर. यस और नो? यस. तो therefore tr plus 1 का binomial coefficient कौन होगा? ncr. इसका कौन होगा? ncr. इसका कौन होगा? ncr. बिल्कुल clear यहाँ तक? yes sir. चलो अब आगे बढ़ रहे हैं. So उसने बोला है कि तीनों binomial coefficients और तीनों, हाँ तीनों, उनका ratio दे रखा है 1:7:42. इससे हमारी n और r की value निकलेगी. तो obviously रेशो तीनों का है तो तुम तीनों को साथ में सॉल्व करोगे, दो दो को सॉल्व करोगे? दो दो को. दो दो को. तो पहले दो को सॉल्व करते हैं. तो पहले दो को डायरेक्टली 1/7 लिखो या 7/1 तरीके से लिखो, सोच के बताना. 7. सब बच्चे सोचो, 1/7 की तरह लिखो या 7/1 की तरह? 7/1. भाई आर प्लस वन ऊपर चाहिए, याद आ गई प्रॉपर्टी? रेशियो वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं. हाँ, सेम वे में यहाँ पे भी इन दोनों को लें या फर्स्ट और थर्ड को लें? व्हाट विल यू प्रेफर, सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड? सेकंड थर्ड. सेकंड थर्ड क्यों? व्हाट इज द रीजन? कंसेक्यूटिव है. सबको याद आ गई चीजें? तो ये सब थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज फिर कोई बच्चा बोलता है सर मैंने फर्स्ट थर्ड ले लिया आंसर उससे भी आ गया, बट डोंट यू एग्री उससे आंसर बहुत लंबे तरीके से आएगा. हां सर. तो कभी वो बोला ही मत करो कि आंसर आ गया, आंसर नॉट मैटर्स टू मी. ओके यहां पे आंसर बोलो जल्दी से. -r - r + करेक्ट? यस सर. यहां पे आंसर बोलो सेकंड वाले में. -r - r + 1 n minus r plus 1 divided by r plus 2 is 6, correct na? Equal to 6. Sabko dikh raha hai, do equation, do variable? Yes, sir. Yes, to solve karenge aap. N minus r is 7r plus 7. N is equals to 8r plus 7 aa gaya yahan se bachcho. Yahan se cross multiply kar diya, 6r plus 12. So in dono bicharo ko udhar le jaate hain. 7r plus 13. Dono jagah se n ko equate kar dete hain. 8r plus 7 is equals to 7r plus 13. 8r और 7r बोल रहे हैं हमें r कर दो, 13 minus 7 6 कर दो. r आ गया तो n कहाँ से आएगा? कहीं भी रख दो. एक मिनट. अरे हट जा नाला, ये क्या स्पाइरल बनने जा रहा है. क्या सर्विस डरा रहा है तू हमें? हाँ भाई, आर इक्वल टू 6 यहाँ पे रख देंगे तो सबको क्लियर है आंसर? तो यस सर.
सो तुम सब एग्री करोगे कि यहाँ पे रैंडम नहीं लेंगे हम, कंसेक्यूटिव लेंगे, करेक्ट और नॉट? यस सर। यस सर। चलो ऊपर से कॉपी कर लो। और कभी भी ऐसा बोले द रेशियो ऑफ तीन कंसेक्यूटिव या तीन कोई भी तीन टर्म्स, तो हमेशा पहला वाला टर्म ये लेना। गॉट इट एवरीवन? यस सर। यस, किसी को डाउट? हाँ बच्चों को डाउट? नो सर। ओके, सबका कॉपी भी हो गया? यस सर। ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड नाउ। ये क्वेश्चन आप खुद ही करोगे। इफ द कोफिशिएंट ऑफ fifth, sixth and seventh terms in the expansion of coefficient में variable भी आते हैं या नहीं आते हैं? X आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा, coefficient में नहीं आता है, term में आता है। Agreed? Yes sir. Yes sir. The coefficient of 5th, 6th and 7th term in the expansion of 1 plus x ki power n are in AP. Then find the value of n. 5th term ke liye r kitna hoga na lagho? 4. Toh matlab uska binomial coefficient kitna ho jayega? Nc4. Aur uske alawa sab 1 hai, toh Nc4 is coefficient only.
यस बच्चों इक्वेशन क्या बनाई जल्दी बताना एपी टू बी इक्वल टू ए प्लस सी क्या लिखा ट्वाइस ऑफ डायरेक्टली पास्कल्स लॉ भी नहीं लग सकता है एग्रीड यस तो बताओ क्या करें और मैं हिंट दे रहा हूँ चलो मैं हिंट दे रहा हूँ तुम बोलना मत तुमको ट्राई करना रेशियो बनाओ रेशियो कैसे बनाते हैं और किसका बनाएंगे यू थिंक चलो चलो रेशियो बनाओ और सब हैप्पी होने चाहिए चलो अब तक हिट हो जाना चाहिए था किससे डिवाइड करेंगे बोलो NC5 वेरी गुड NC5 से डिवाइड करेंगे सब खुश हो जाएंगे ना जल्दी से ओके करो यस सर क्वाड्रेटिक आएगी सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे ये तो बिल्कुल खुश n माइनस 5 बाय 6 यहाँ पे रेसिप्रोकल के कारण खुश हो जाएंगे कम ऑन याद करो यस सर 1 अपॉन n माइनस 4 बाय 5 5 अपॉन n माइनस 4 Everyone okay till now? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है क्वाड्रेटिक सॉल्व करो जल्दी से बिफोर मी टेलिंग यू आंसर यू टेल मी एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक आए क्या और क्या अरे कल सॉल्व करोगे मैं इतना धीरे करना चाहता हूँ बट तो भी नहीं आ रहा है अभी तक आंसर करेक्ट गौतम अब मैं कर रहा हूं तो एन स्क्वायर माइनस 21 एन 50 प्लस 48 98 इक्वल टू 0 7 एन 14 अब तो रेशियो वाली प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो ना यस सर बट वो एक्चुअली स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी नहीं है वो बस याद करना होता हूं मैं ताकि रिजल्ट की तरह याद करो ताकि यूज कर सको ये इसलिए बोल रहा हूं इसका मतलब समझ जाओ कि बोर्ड्स में यूज नहीं करना है गॉट इट यस सर मतलब वो रिजल्ट है प्रॉपर्टी नहीं व्हाइल पास्कल्स लॉ प्रॉपर्टी है वो कहीं भी यूज कर सकते हो बट रेशियो वाली प्रॉपर्टी रिजल्ट है जो हम जेई में यूज करेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज करेंगे क्लियर है सबको यस सर कोई डाउट किसी को यहां तक एनीबॉडी ओके अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बाइनोमियल चालू हो रहा है तो वो मिस मत करना आज यहीं तक रोक रहा हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर भी है मेरा तो आज यहीं तक रोक रहा हूं होमवर्क होमवर्क सब ग्रुप का मिल जाएगा गॉट इट Yes, sir. Yes, sir. Chalo, that's it for today. You can go.